चलिए आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट फिर भी ये क्वेश्चन हम कर सकेंगे क्योंकि ये नाम कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं, और इसमें से ऐसा कुछ नाम है कि जो हमने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, तो अपने आप हम ऑड मैन आउट निकाल सकते हैं। ऑड मैन आउट का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करना है। इनमें से ऐसे कौन सा पेयर है जो इंडिया की या प्राचीन भारत की जो छह फिलोसफी या दर्शन शास्त्र है उनको ये पेयर लागू नहीं होता है? ऐसा कौन सा पेयर है ये ध्यान में रखना है, है? कि ऐसे निम्नलिखित जो ऐसे कौन सी बेसिकली युग्म है कि जो बेसिकली भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, और सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी या भारतीय षड दर्शन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमें ध्यान में आता है, ठीक, कि हमने ये पढ़ा है मीमांसा और वेदांता है, भले ही इनकी फिलोसफी क्या है अभी याद नहीं आ रहा है, पर ये वर्ड क्लिक होते हैं कि हाँ मीमांसा और वेदांता है इसमें। न्याय और वैशेषिका है, न्याय और वैशेषिका, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा है। लोकायत और कपालिका, मामला कुछ जम नहीं रहा है। लोकायत थोड़ा सा कहीं पढ़ा हो सकता है, पर वो सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी या भारतीय षड दर्शन का तो पार्ट लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ इसको शायद पढ़ा होगा हमने। कपालिका तो कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। कपालिका जो है ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे, तो इसको थोड़ा बाजू में रख सकते हैं। फिर देखते हैं सांख्य और योग। अरे हाँ ये तो पढ़ा है सांख्य और योग, फिर तो मुझे याद भी आ रहा है कुछ कुछ। अरे सांख्य तो जैनिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब सांख्य जो दर्शन है उसी आधार पर जैनिज्म चलता भी है, ये मैंने जैनिज्म में पढ़ा है। मतलब सांख्य जरूर है सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में, और सांख्य के साथ ही योग हमेशा रहता है। सांख्य के साथ योग हमेशा रहता है। कहीं फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि सांख्य अगर थ्योरी है तो योग एप्लीकेशन है, सांख्य अगर थ्योरी है तो योग क्या है, प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन है, और योग तो हम सब करते ही है, है? बाबा रामदेव जी की वजह से योग तो हमें पता ही है, योग की फिलॉसफी या डेफिनेशन क्या हमें पता नहीं है, बट हम योग हम करते हैं ना, आसन करते हैं, प्राणायाम अनुलोम विलोम ये है वो है, तो सांख्य और योग भी सही लग रहा है, है? तो फिर से एक बार रिवाइज करके देखिए, मीमांसा और वेदांता, न्याय वैशेषिका, सांख्य योग, हाँ ये छह के छह चीजें फिट बैठ रही है, है? बट अगर इनके बीच में मैं लाता हूं मीमांसा वेदांता न्याय वैशेषिका लोकायत और कपालिका, नहीं जम रहा है, पहले चार सही लग रहा है, बाकी लास्ट दो जम नहीं रहा है। फिर देखते हैं न्याय वैशेषिका लोकायत कपालिका सांख्य और योग, नहीं जम रहा है, ये ठीक ही नहीं बैठ रहा है। मीमांसा वेदांता न्याय वैशेषिका और सांख्य और योग यही सही से जा रहा है, है? फिर ये एक बार रिवाइज करके रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको डिसीजन लेना है कि ये चीज अगर लोकायत और कपालिका लाने के बाद वो बाकी चीजों को अगर सही तरीके से जस्टिस दे नहीं पा रही है तो यही गलत आंसर है। और हमारे माइंड की आदत होती है, हमारा माइंड हमारा बिल्कुल सुनता है, हार्ट और माइंड साथ में चलते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपके दिमाग में आएगा। अगर आपके दिमाग ने ये फिट कर दिया ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आप सही जाओगे, ये नहीं है तो बिल्कुल उसको हटा दो, है? और जाहिर सी बात है अपने आप आपको सही आंसर मिलेगा कि लोकायत और कपालिका ये आपका सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी या षड दर्शन में नहीं है, वो अलग है, है? और ये बाकी सारे के सारे छह आपके आ जाएंगे और उतना आप बिल्कुल कर पाओगे। ओके आइए देखते हैं सांख्य के बारे में फिर से कुछ पूछा है। अभी जो छह स्कूल्स देखी फिलोसफी की उसी के साथ साथ जो सांख्य स्कूल हमने देखा, ये सांख्य हमारा जो ये है षड दर्शन, है षड दर्शन में से एक, तो उस संप्रदाय के बारे में क्या है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है, सांख्य जो है वो रीबर्थ की जो थ्योरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, या ट्रांस माइग्रेशन का जो सोल की प्रोसेस होती है, सोल
या हमारा जो आत्मा है वो एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाता है, उसको ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं, वो चीजें सांख्य एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, देखते हैं, हमने कहीं फिलोसफी पढ़ी है, याद नहीं आ रही अभी, रिवाइज भी किया होगा, याद नहीं आ रहा है, देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, सांख्य ये मानता है कि सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन। सांख्य क्या मानता है? सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, और किसी भी बाहरी शक्ति का या बाहरी एजेंट का इन्फ्लुएंस या प्रभाव जरूरी नहीं है। सेल्वेशन या मुक्ति के लिए, या लिबरेशन जो है या मुक्ति है उसके लिए कोई बाह्य प्रभाव या कारक की जरूरत नहीं है, या शक्ति की जरूरत नहीं है, आपका खुद का नॉलेज आपकी मुक्ति का कारण बन सकता है, ऐसा सांख्य बोलता है। तो एग्जैक्टली क्या है, कौन सा सही हो सकता है? स्टेटमेंट नंबर टू तो ज्यादा सही लग रहा है कि सेल्फ लिबरेशन, ये बात तो बुद्धिज्म भी कभी करता है, सेल्फ सॉल्वेशन, सेल्फ लिबरेशन, ये बात बुद्धिज्म भी करता है। और बात ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सही भी लगता है, इसमें कोई गलत है ऐसा लग नहीं रहा है, एकदम रैशनल और लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो इसको तो सही लेके चलते हैं, इसको तो हम सही लेके चलते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है, सांख्य डजंट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द सोल। ठीक है, अभी फिर ध्यान में लेना है कि पहला स्टेटमेंट थोड़ा रैशनल और लॉजिकल है, तो उसी हिसाब से अगर बात करेंगे दूसरा स्टेटमेंट भी तो रैशनल और लॉजिकल लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, रैशनल और लॉजिकल लग रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सांख्य शायद रीबर्थ में विश्वास ना करे। सांख्य बेसिकली सोल या आत्मा का जो ट्रांस माइग्रेशन है, या उसका आत्मा का जो पुनर्जन्म है उसमें विश्वास ना करे। तो आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं कर रही है सांख्य, सपोज, फिर भी आत्मा में तो विश्वास कर रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है इसमें विश्वास ना करे, पर आत्मा में वो जरूर विश्वास कर रही है, ये तो दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर रिबर्थ जो है या आत्मा का आवागमन जो है उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट भी लॉजिकली सांख्य बोल रही है कि सेल्फ नॉलेज आपका लिबरेशन लाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर खुद का नॉलेज किसी इंसान का लिबरेशन या मुक्ति का मार्ग हो सकता है, तो ऐसा जो इंसान है या उसका जो आत्मा है उसके उसको पुनर्जन्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई इंसान बेसिकली दो स्टेटमेंट के बीच का संबंध देखिए, पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, फिर भी आप आंसर दे सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर सांख्य बोलता है कि सेल्फ नॉलेज से आपको सेल्वेशन मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तो जाहिर से बात है जो इंसान अपना खुद का नॉलेज इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी मुक्ति पा सकता है, अगर वो मुक्ति पाएगा तो उसके आत्मा को पुनर्जन्म की जरूरत नहीं है। बात तो सही है, फिर दोनों स्टेटमेंट में संबंध सही से लग रहा है, लिंक हो रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है फिर, और फिर हमारा आंसर हमारे पास सही से आ जाएगा 1 और 2। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, भले ही बेसिकली आपका स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दोनों के बीच में कुछ संबंध है, या दोनों एकदम दूसरे के एकदम विरुद्ध है, वो सारा देख के, ज्यादा पढ़ा नहीं होगा या पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं किया होगा, फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास तो एलिमिनेशन तो है ही, हमारा दोस्त वो भी हमें मदद करेगा, या तो एलिमिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधे सीधे हमने दोनों स्टेटमेंट के बीच का संबंध निकाल के हमारा सही आंसर या चुनाव किया।